हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखेंगे एडवांस एक्सेल। सबसे पहले आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करते समय आपको जरूरत पड़ेगी मेरी सहायता की। जी हाँ, क्योंकि अभी तक जो हमने 3 क्लासेस ली उसमें उतना खास नहीं था, आप खुद कर सकते थे, लेकिन आने वाले क्लासेस में आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, मुझे कॉल करें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपका कॉल ना उठाऊं, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दें हम अपनी प्रॉब्लम को। हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि तुरंत से तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जी हाँ, एक्सेल के ऊपर किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे हम बात करेंगे इस क्लासेस में। इस क्लास के बाद आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, कुछ होमवर्क्स मिलेंगे जो आपको करने हैं। उसको करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो आज हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन के ऊपर कि हाउ कैन कैलकुलेट योर डेटा। देखिए, एक्सेल के अंदर में अगर हम बात करें कि हाँ 20 है और यहाँ पे 30 है, तो इसको इजिली हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं। इस तरह से प्लस होके ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मा लगाया सिंपल प्लस करने का, तो हम इसमें इजीली यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्लस के अलावा हम सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब आप लोग मैं सोचिए, मैं सम सिखा रहा हूं क्योंकि एक बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास सम के फॉर्मूले भी है और हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन करना चाहे वो आप कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप इसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लगाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसमें हम आगे बात करते हैं। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए दो तीन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट को हमने बाय किया, किसी भी प्रोडक्ट को हमने बाय किया मान लीजिए 50 रुपीज में, और हमने सेल किया मान लीजिए 70 रुपीज में, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। जी हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हो सकता है कि आपके एक्सेल में फॉर्मूले हो तो उसमें, या नहीं हो सकता, या हो सकता है फॉर्मूले हो तो आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ना हो। तो यहां हम कैलकुलेशन में हम यहां पे कर सकते हैं कि हमारे पास होता है अब बाय माइनस सेल, सॉरी सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल में परसेंटेज का सिंबल लगाते ही ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। तो चलिए इस कैलकुलेशन को रखते हैं। हमने लिखा ब्रैकेट के अंदर में सेल माइनस बाय, जी हाँ ब्रैकेट के अंदर में क्या किया, सेल माइनस बाय, और डिवाइड बाय हमने ले लिया बाय। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपके सामने 0.4 आ गया। अब मैं इसको परसेंटेज का सिंबल में अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि और क्या कर सकते हैं। चलिए एक दो कैलकुलेशन और आपको हम बताते हैं इसको, किस कैलकुलेशन को आप नोटपैड में नोट कर लीजिए। अब जैसे मेरे पास मान लीजिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब कि मैंने 50,000 का लोन मान लीजिए लिया, और रेट जो है हमारा वो मान लीजिए
13% ईयरली है, और हमारा जो टाइम है वो मान लीजिए 5 साल का है, तो आफ्टर 5 ईयर अमाउंट क्या होगा? तो बोलेंगे सर इसके लिए सिंपल सा हम एफबी का फॉर्मूला अप्लाई कर ले। बट एफबी का फॉर्मूला अप्लाई आप जब करेंगे तो छोटी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एफबी का जो फॉर्मूला है वो जरूरी नहीं है कि आपकी, जी हाँ, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है ना कई बार कि आपकी कैलकुलेशन अलग, आपकी कैलकुलेशन अलग हो, तो वहां हम क्या करते हैं अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिक्स में क्या है कैलकुलेशन, तो मैथमेटिक का फॉर्मूला कहता है कि ए इक्वल टू पी, पी इट मींस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन, और हमने यहां पे किया पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें इसको हम कैसे करें एक्सेल, तो देखिए लंबी कैलकुलेशन जब होता है तो हम लोग अवॉइड करते हैं एक साथ कैलकुलेट करना, हम तोड़ के कैलकुलेट करेंगे पहले। तो सबसे पहले 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन, अब एन क्या है तो एन इक्वल टू 12 है, जी हाँ एन इक्वल टू क्या है 12, तो एन इक्वल टू आपका आ गया 12। तो यहां हम दे रहे हैं 1 प्लस ब्रैकेट में, जब भी कैलकुलेशन करें ब्रैकेट में करें। अब क्यों, देखिए हमने यहां पे लिखा 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका रिजल्ट 3 आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका रिजल्ट 2 आएगा, जिसने 2 बोला वो गलत है, जो 3 बोलेगा वो सही है, क्योंकि बोर्ड मास पहले डिवाइड करता है फिर प्लस करता है। तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। लेकिन जब इसको अगर हम ब्रैकेट में कर देते हैं तब क्या होगा, तब 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 एंड डिवाइड बाई 2, तब रिजल्ट 2 आएगा। तो सेम प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने कैलकुलेशन को सेपरेट करें, क्योंकि 1 प्लस मुझे आर डिवाइड बाई एन को प्लस करना है, तो आर हमारा ए आ गया और एन 12 हमारे पास ऑलरेडी है, तो रिजल्ट हमारे सामने आ गया 1 प्लस समथिंग कुछ करके आ गया, इसको इग्नोर कीजिए। फिर आता है टी मल्टीप्लाई बाई एन, मतलब जो हमारा टाइम है उस टाइम को मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम जो हमारा 5 है उसको 12 में मंथ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर इन दोनों का पावर निकाल रहे हैं, तो पावर का जो सिंबल होता है वो ए सिंबल होता है, इसको लिया और इसको लिया, आपके सामने देखिए आ गए। फिर फाइनली हम इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ गया आपके सामने कि 95,442। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि तो कैलकुलेशन बहुत सारा है, मुझे एक सेल में चाहिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि मर्ज करेंगे। तो हमने C12 का जो फॉर्मूला था इक्वल के बाद उसको कॉपी किया और जहाँ C12 था वहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर ऐसे ही D12 का फॉर्मूला मैंने यहाँ से कॉपी किया और जहाँ D12 था वहां पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखिए रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं इसको दोनों को डिलीट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइनली अब मैं E12 का फॉर्मूला कॉपी करूंगा, लेकिन ध्यान रखिए जब भी पेस्ट कीजिए इन द ब्रैकेट, ऐसा क्यों मैंने ऊपर समझाया है आपको। अब आगे यहाँ पे, लेकिन मुझे रिजल्ट यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, तो कॉपी पेस्ट कभी मत करें, आप मूव करें, इसको सेलेक्ट करके यहां पर मूव कर दे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट क्या आ गया आपके सामने। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए हैं करने के लिए उस पे हम डिस्कस करते हैं, इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चंस। अब कुछ लोग सोचेंगे सर हमें तो एक्सेल पढ़ना था, आप मैथ पढ़ा, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल से मैथ के से पीछा छूटा है और आप मैथ के पीछे पड़े हुए हैं। सर क्या है ये आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन क्या होता है कि आपके पास इनबिल्ट बहुत सारे फॉर्मूला है जिसका उपयोग हम आप आगे करेंगे।
फिर कभी कभी कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है जिसके लिए फॉर्मूला नहीं होता है, बट उसको मैथ पे इजीली आप सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कैलकुलेशन को आप एक्सेल में आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। फिर चलिए प्रैक्टिस शीट की ऊपर बात करें, तो हमने कुछ पिक्चर्स आपको दिए हैं जो आपको करना है। जैसे यहां देखिए, इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी, तो पी क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद टी क्या हो गया टाइम हो गया, आर क्या हो गया रेट हो गया। तो प्रिंसिपल आपका 50,000 है, रेट आपका मान लीजिए 5% है, और टाइम मान लीजिए 3 साल है। तो इंटरेस्ट आई निकालना है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो आप सिंपली अब पी आर टी है तो आप मतलब कि मल्टीप्लाई होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो रिजल्ट आ गया। अब ए इक्वल टू, यहां पे देख सकते हैं कि ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + RT। तो अब ए मुझे निकालना है तो क्या होगा, पी 1 + तो यहां पे हमें पी लेना है इक्वल पी, और पी के अंदर ब्रैकेट में 1 + RT, तो जो आर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टी से। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि एक कैलकुलेशन को सेपरेट करना है, तो इनको हम सेलेक्ट, हालांकि बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करता है देन प्लस करता है, लेकिन फिर भी आप हैबिट डाल दीजिए अपने कैलकुलेशन को। तो एक मिनट, बी ब्रैकेट में नहीं होगा, बी ब्रैकेट में होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई का सिंबल यहां देना जरूरी है। तो 57,500 आप देख पा रहे हैं कि अमाउंट आ जो आपके सामने दिख रहा है। तो इसी तरह से बाकी जो कैलकुलेशंस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो मैंने बताया था, ऐसे कैलकुलेशन आपको खुद ब खुद करने हैं। कुछ तरह से प्रैक्टिस टू वाले शीट पे अगर हम आए तो यहां पे भी कुछ है, जैसे मान लीजिए कि क्यूबिक है, क्यूबिक का वॉल्यूम निकाल, तो क्या है आपका लेंथ बी एच, बॉटम लेंथ हाइट। तो मान लीजिए हमारे पास बी जो है वो हमारा 5 है, और एल जो है हमारा, एल जो है मान लीजिए 20 है, और एच जो है मान लीजिए 10 है। तो वॉल्यूम क्या आएगा, मानी क्यूबिक का वॉल्यूम क्या आएगा, तो वॉल्यूम कहता है एल बी एच, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया इससे, मल्टीप्लाई किया इससे, तो रिजल्ट आपके सामने 1,000 आ गया। अब आता है यहाँ पे सरफेस एरिया कितना आएगा। जी हाँ, सरफेस एरिया अगर हम सरफेस एस ए निकालना चाहें तो क्या होगा, तो ए कहता है इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई एच, मतलब कि हाइट, लेकिन कैलकुलेशन है इसलिए इसको ब्रैकेट में आप अंदर रख। फिर उसको वापस मल्टीप्लाई करना है एल प्लस बी से, तो एल प्लस बी, और फिर इसको एंटर मारें तो आपके सामने ये आपका सरफेस जो आता है ये आता है आपका 500। अब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया भी निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या कहता है, कहता है कि टू, तो इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर एल बी, तो एक और ब्रैकेट में हम एल और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बी एच, तो बी मल्टीप्लाई बाई प्लस एच एल, तो वापस एच एल को मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके सामने रिजल्ट आ गया 700। अब कैलकुलेशन सही प्रोसीजर में हो रहा है तो उसके लिए आप जाइए फॉर्मूला मेनू बार और जाइए एवलेट फॉर्मूला। अब इस एवलेट फॉर्मूला में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं कि 5, 4 मल्टीप्लाई किया 10 आया, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 200 आया। अच्छा, कुछ गलत हुआ है, एक बार दोबारा देखते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 500 आया, ओके, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 50 आया, अभी फिर ये दोनों आपस में प्लस होंगे, फिर
फिर यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, नहीं सही है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन भी आप करेंगे। अगर कहीं अब यहां पे देखिए पाई, पाई का मान जो है क्या है पता नहीं चल रहा है आपको, तो पाई के लिए आप जो है 3.14 जो होता है या 22/7 होता है, ऐसे कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी फ्री दिक्कत है तो एक्सेल के अंदर में पाई नाम का फॉर्मूला होता है जो कि पाई का रिजल्ट देता है कि पाई का एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है, 3.141593। हम लोग बचपन में याद कर देते वो चीजें कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से आपको कैलकुलेशन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसको फटाफट कीजिए। ये आपके कोर्स के अंदर में ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिए। फिर अगली वीडियो में हम आपके साथ बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे। बाय बाय।